हेलो सीए स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप सभी के लिए, आप सभी सीए स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एक डिस्कशन करनी है सीए मई 2021 एग्जामिनेशंस को लेकर के। ये स्पेसिफिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ मई 2021 एग्जामिनेशंस को लेकर के। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रिलेट करेगी आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के, और उस पर हम कंक्लूड करेंगे कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा, और पोस्टपोन्ड होगा तो कितने टाइम पीरियड में होगा या नहीं होगा। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ सिचुएशन, जरा ध्यान से सुनना। लेटेस्ट रिसर्च, जो लेटेस्ट रिसर्च अभी निकल के आ रही है कोविड-19 की सेकेंड वीक की पीक को लेकर के, क्या बोल रहा हूँ मैं, कोविड-19 की सेकेंड वेव जो चल रही है कंट्री में, उसकी पीक को लेकर के अभी रिसर्च निकल के आई है। और रिसर्च में, सभी रिसर्चों में यही कहा जा रहा है कि इसकी सेकेंड वेव की जो पीक है दैट विल कम अराउंड थर्ड वीक ऑफ मे और एट द एंड ऑफ मे, थर्ड वीक ऑफ मे और एट द एंड ऑफ मे। तो ये जो डेटा है ये एक तरह से साइंटिस्ट हैं जो एक तरह से सारी की सारी रिसर्च में हमने देखा है, मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है एनालाइज करके, ये सभी में कहा जा रहा है कि जो इसकी पीक है वो आपकी थर्ड वीक ऑफ मे या फिर एट द एंड ऑफ मे में आने वाली है। तो डेफ़िनेटली अगर ये चीज़ है इस तरह से, तो हमारे एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो 21 मई या फिर 2 मई से है। अब जो इन्होंने रिसर्च में ये बताया है कि थर्ड वीक ऑफ मे और एट द एंड ऑफ मे में जब पीक आएगी तो दैट विल सस्टेन फॉर अनदर 15-20 डेज, दैट विल सस्टेन विल फॉर अनदर 15 or 20 डेज। सो हाउ वी कैन से दैट द एग्जामिनेशन इज़ कंडक्टेड ऑन द शेड्यूल डेट, राइट? तो 21 or 2 मई पे जो हमारे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं उसकी आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन 2-3 डेज में अंदर आपको मिल जानी है। बट डेफिनेटली इफ़ अगर हम जाएं इस डेटा के साथ, विद द डेटा इफ़ वी गो दैट, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एग्जामिनेशन विल डेफिनेटली पोस्टपोन्ड, राइट? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एग्जामिनेशन जो है अगर इसी तरह से रहा तो हमारा एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा, तो पोस्टपोन्ड कितने डेज के लिए होगा, ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जामिनेशन की जो पोस्टपोनमेंट है अगर ये डेटा के साथ जाते हैं तो फिर उसके आस में आपके एग्जामिनेशन एज बाई माई पर्सनल परस्पेक्टिव, नॉट बाई नोटिफिकेशन बाई ICAI, अभी तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन यस इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर आपके एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ ध्यान से सुनिएगा, जून के एंड में एग्जामिनेशन आपके जा सकते हैं, राइट है? क्योंकि अगर हम देखें इस हिसाब से तो थर्ड वीक ऑफ मे, 21 मई या फिर एट द एंड ऑफ मे में जाता है तो 15-20 डेज तो सस्टेन करेगा, राइट? तो ये जून में चला गया, तो उसके बाद इसके थोड़े से ये इसका प्लेटू होगा कर्व, जो प्लेटू होगा हमारे कर्व इसका, कोविड का जो केसेस होंगे वो प्लेटू होंगे हमारे नीचे, तब कब होंगे वो होंगे 20 जून के आफ्टर। तो हो सकता है एट द एंड ऑफ मे में शेड्यूल करें एग्जामिनेशन ICAI। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये जो चीज़ निकल के आ रही है, अगर ये इस तरह से रहा तो फिर एग्जामिनेशन विल डेफिनेटली पोस्टपोन्ड, 99.99% मैं लिख के देता हूँ एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड होगा। बट इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च के बेसिस पे मेरा बेसिस है, मेरा रिसर्च, तो मेरा बेस जो है रिसर्च, अगर ये चीज़ होती है तो फिर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट? तो ये इन्फॉर्मेशंस मुझे ज़रूर देनी थी आप सभी को, मैंने इसीलिए लेट नाइट आपको वीडियोस बना रहा हूँ। और आप सभी को मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू स्टडी विद योर हर्ट, राइट? अपने दिल से स्टडी करिए, डोंट पैनिक, राइट? इन क्रिटिकल सिचुएशंस किसी भी तरीके से नहीं। और मैं वंस अगेन ये बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ सेव योर लाइफ अलॉन्ग विद योर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, एंड प्लीज़ ट्राई टू हेल्प टू अदर्स टू द एक्सटेंट इफ पॉसिबल, राइट? प्लीज़ ये चीज़, दिस इज़ अ टाइम फॉर हेल्पिंग टू अदर्स, एंड यही चीज़ बस मैं आपसे बोलना चाह रहा था। और कभी भी किसी भी सिचुएशंस में अगर आपको लगे कि मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एक तरह से एक्सरसाइज करिए, हल्का सा अपना आपको काम रखिए, कूल रखिए, बिल्कुल किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और ये भी एक तरह से एग्ज़ामिनेशन है जो गॉड ले रहा है हमारा, वो सभी कंट्री का एग्ज़ामिनेशंस ले रहा है, तो फिर उस चीज़ में थोड़ा सा हमें भी समझने की कोशिश है कि हमें भी अपना थोड़ा सा सेफ रखना है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वी विल ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और बेटर होगा
आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, एंड अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।